आज हम बात करते हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा वर्ष 2005 में ये एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल इतना था कि वो एक घर के अंदर जब एक लड़की शादी होने के बाद आती है, तो शादी होने के बाद में उस घर के अंदर उसके अधिकारों की किस तरीके से रक्षा हो सके, इसलिए ये एक्ट बना। 2005 में इस एक्ट को बनने के बाद, इस एक्ट के पास होने से पहले जिनकी शादियां हो चुकी थी ये उसके ऊपर भी प्रभावी हुआ। साथ ही 2005 के बाद जिन लोगों की शादियां हुई हैं उसके ऊपर भी ये एक्ट पूरी तरीके से प्रभावकारी है। इसमें कुल 37 सेक्शंस को बनाया गया, और 37 सेक्शंस में जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं उनका हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 वो सेक्शन है जिसके अंदर कोई भी कंप्लेंट संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ पर पेश की जाती है। अब सवाल उठता है कि किस मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश की जाए। इसमें जो जुरिडिक्शन है, यहाँ पर जुरिडिक्शन हमें देखना होगा कि किस मजिस्ट्रेट के यहाँ पर जुरिडिक्शन है। जुरिडिक्शन को इसमें तीन स्तर पर विभाजित किया गया है। प्रथम, जहाँ पर वो लड़की रह रही है। दूसरा, जहाँ पर विपक्षीगण उसके ससुराल वाले, वो बेशक उसके देवर, जेठ, जेठानी या सास हो सकती हैं, वो कहाँ पर रह रही हैं। तीसरा, वो शादी होने के पश्चात पहली बार किस घर में गई है। उन तीनों जगह पर जो संबंधित थाना है और उस थाने का जो क्षेत्राधिकार जिस मजिस्ट्रेट को प्राप्त है वो वहां पर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। कंप्लेंट जो फाइल होगी संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ वो धारा 12 में फाइल होगी, सेक्शन 12। इसके अंदर जो हम रिलीफ की बात करें, सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इन सेक्शंस के अंदर अलग अलग वो न्यायालय कोर्ट के सामने अपना मॉनिटरिंग रिलीफ, रेजिडेंसिंग रिलीफ, शेयर हाउस जो शेयर होल्ड प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में रहने का अपना राइट, तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है मेडिकल एक्सपेंसेस, उसका मेंटेनेंस, इन सारी चीज़ों को क्लेम कर सकती है। इन सबसे महत्वपूर्ण, अब हम प्रोसीडिंग की तरफ अगर चलेंगे थोड़ा सा, तो कई बार क्या होता है कि एक पिटीशन अगर फाइल हुई डोमेस्टिक वॉयलेंस के अंदर तो उसको तय होने में कई साल लग जाते हैं। कई साल तक अपोजिट पार्टी का रिलीफ नहीं, रिप्लाई नहीं आएगा, और रिप्लाई ना आने की वजह से उसे रिलीफ नहीं मिलेगा। इन सब से बचने के लिए इस एक्ट के अंदर एक सेक्शन दिया गया, सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 में प्रोविजन है कि यदि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पिटीशन एक एप्लीकेशन मूव की जाती है सेक्शन 23 के अंदर, तो कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात दौरान विचारण याचिका, यानी कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंप्लेंट, कोर्ट इंटरिम रिलीफ, इंटरिम मेंटेनेंस उसको ग्रांट कर सकती है। ये इंटरिम मेंटेनेंस जो होगा वो एक्स पार्टी भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आप समन्स भेजे जा रहे हैं, और समन्स भेजे जाने की वजह से कई बार सालों सालों तक दूसरा पक्ष नहीं आता है। उस वक्त पर जो पीड़ित पक्षकार है उसको ऐसा लगता है कि शायद न्यायालय में कोई प्रक्रिया ही नहीं चल रही है। उन सबको रोकथाम के लिए और पीड़ित पक्ष को शीघ्रता के साथ न्याय मिले, इसके लिए सेक्शन 23 का प्रावधान किया गया, जिसके अंदर उसको अंतरिम भरण पोषण के साथ साथ एक्स पार्टी भी उसको रिलीफ दिया जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि सेक्शन 23 को डिसाइड करते समय दूसरी पार्टी को भी सुनवाई का अवसर मिले। अगर न्यायालय को यह लगता है कि दूसरी पक्ष जो है, विरोधी पक्ष, वो जानबूझकर इस कार्यवाही में निस्तारण में विलंब कर रहा है, या जानबूझकर इसकी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो न्यायालय उसको सेक्शन 23 के अंदर अंतरिम भरण पोषण दे सकती है। अब सेक्शन 23 में जब भरण पोषण की बात हो जाती है तो आगे सेक्शंस जो हैं, सेक्शन 18 हो, सेक्शन 19 हो, सेक्शन 17 हो, इन सारी चीज़ों को कोर्ट रिलीफ देती है फाइनल स्टेज के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर। कई बार ये विषय उठता है कि इसकी प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है या इसकी प्रोसीडिंग सिविल प्रोसीडिंग है। जब ये एक्ट बना वर्ष 2005 में, तो इसको एक्ट को बनाने के समय जो विधि वेत्ता थे, जो एक्ट को बनाने वाले थे, उनके दिमाग में निश्चित रूप से, मस्तिष्क में ये बात रही होगी कि इसमें प्रक्रिया जो रहे वो दंडात्मक रहे। प्रक्रिया दंडात्मक का उद्देश्य केवल इतना है ताकि कोर्ट के माध्यम से जो इसके आदेश होते हैं उन आदेशों को लागू कराया जा सके।
और इसीलिए जो इसकी प्रक्रिया होती है वो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार ही है। वो अलग बात है कि इसकी प्रक्रिया में अगर कोई पक्षकार हाजिर नहीं होता, विरोधी पक्षकार, तो उसके खिलाफ में नॉन बेलेबल वारंट या बेलेबल वारंट नहीं किए जा सकते। लेकिन दंडात्मक कार्रवाई करना है और इस एक्ट को प्रभावी भी बनाना है, इसलिए इसकी समरी ट्रायल के तरीके से इसकी प्रोसीडिंग को रखा गया है। अगर विरोधी पक्षकार पर्याप्त तामील होने के बाद, समन की सूचना होने के पश्चात भी न्यायालय में नहीं आता है, तो न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो विरोधी पक्षकारों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। कई अब हम बात करें अगर एक पक्षीय निर्णय की, एक पक्षीय निर्णय होने के पश्चात जो पीड़ित पक्षकार है, जो याचिका करता है, अगर उसको फिर भी किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं मिलता, तो वो एक दोबारा एक एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर, एक एग्जीक्यूशन जिसे हम बोलेंगे, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग कंप्लेंट की, वो फाइल कर सकता है। उसे फाइल करने के पश्चात संबंधित न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनरी ऑफिस से उस आदेश का पालन हुआ है या नहीं है इसके संबंध में एक रिपोर्ट मंगवाएगा, और रिपोर्ट मंगवाने के बाद न्यायालय अगर उससे संतुष्ट है तो 188 सीआरपीसी में उसके विरुद्ध, जो दोषी विरोधी पक्षकार है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे सकता है। एक जो भी बताया डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इस पूरे प्रकरण में, पूरे एक्ट में, क्योंकि आदेश होने के पश्चात तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है जिला प्रोबेशन अधिकारी, लेकिन उससे पूर्व जब ये सेक्शन 12 में ये याचिका डाली जाती है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो उस वक्त भी न्यायालय विरोधी पक्षकारों को समन करने से पूर्व जिला प्रोबेशन अधिकारी की एक रिपोर्ट, एक आख्या को मंगा सकता है। उसके मंगाने का उद्देश्य केवल इतना होता है कि जो आरोप पीड़ित महिला ने विरोधी पक्षकारों को के प्रति लगाए हैं, उनके खिलाफ लगाए हैं, उनकी मौका वारदात पर या घटनास्थल पर जाकर जिला प्रोबेशन अधिकारी उन समस्त तथ्यों की जांच करे और ये देखे, ये इन बारे में विचारण करे कि जो आरोप लगाए गए हैं पीड़ित महिला द्वारा वो सही हैं या गलत हैं, और इसके संबंध में जो अपना घरेलू हिंसा अधिनियम है उसके विहित प्रावधानों के तहत जो उसमें परफॉर्मा दिया गया है उसके अनुसार उसमें समस्त आख्या दी जाती हैं। जैसे कि उसके साथ में किसी प्रकार की क्रूरता घर के अंदर हुई है, घर के बाहर हुई है, उसको बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, या उसको दैनिक खर्चों के लिए जो उसकी आवश्यक धनराशि है वो उसको उपलब्ध कराई जा रही है अथवा नहीं कराई जा रही है, उसको घर के रहने के अंदर, घर के रहने के दौरान उसके साथ में कौन कौन लोग किस किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो सारी एक विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी न्यायालय के समक्ष दाखिल करते हैं। और अधिकतर मामलों में ये देखा गया है कि न्यायालय जिला प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट आने के पश्चात विरोधी पक्षकारों को समन जारी करते हैं। समन का भी जो पूरा एक शेड्यूल, पूरा परफॉर्मा है, वो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर जो विहित प्रावधान हैं उनके अनुसार ही वो दिया जाएगा। इसके अलावा अलग से कोई समन विरोधी पक्षकारों को जारी नहीं किया जा सकता। समस्त कार्यवाही की अगर हम बात करें तो कार्रवाई के प्रारंभ में विरोधी पक्षकार जब इसमें उपस्थित होते हैं तो उपस्थित होने के पश्चात उनके द्वारा जो सेक्शन 12 के अंदर कंप्लेंट फाइल हुई है उसका विस्तृत अपना जवाब, ब्यौरेवार जवाब, जो उसकी धाराओं के अनुसार जवाब है वो दिया जाता है। उसके पश्चात न्यायालय पत्रावली में जो पीड़ित पक्षकार है, याचिकाकर्ता है, उसका साक्ष्य के लिए आदेश करेंगे। साक्ष्य के दौरान जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता अपने याचिका के संबंध में, जो कंप्लेंट फाइल की है उसके संबंध में जितने भी एंटायर एविडेंस है वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी, और प्रस्तुत करने के पश्चात विरोधी पक्षकार के जो अधिवक्ता होंगे वो उनसे और अन्य केसेस की भांति जिरह करेंगे। इसी प्रकार से उनसे जिरह समाप्त होने के पश्चात जो विरोधी पक्षकार हैं उनका साक्ष्य न्यायालय के सामने लिया जाएगा, और जो पीड़ित पक्षकार के अधिवक्ता हैं वो उनसे जिरह करेंगे। जिरह करने के पश्चात अंतिम रूप से जो माननीय न्यायालय होगा, समस्त पक्षकारों को सुनने के पश्चात और समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात इसमें आदेश पारित करेंगे। वो आदेश जो अभी बताया गया कि आदेश 17, 18, 19, 20, 21, 23 में पारित किया जाएगा। अब जो आदेश पारित हुआ उस आदेश में कई बार यह है कि पीड़ित पक्षकार के अनुसार आदेश नहीं हुआ,
कई बार ये हो सकता है कि विरोधी पक्षकार के अनुसार आदेश नहीं हुआ, तो सेक्शन 29 जो इसके अंदर प्रावधान है उस सेक्शन 29 के अंतर्गत इसकी अपील का अधिकार जो भी पीड़ित पक्षकार है या जो भी उस आदेश से असंतुष्ट है वो पक्षकार सेक्शन 29 में इसकी अपील दायर कर सकता है। अगर हम बात करें मजिस्ट्रेट और अपील के अधिकार की, तो जुरिडिक्शन जैसा अभी बताया कि उस संबंधित थाने के अनुसार जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होगा उसके यहाँ पर इसका सुनवाई का अधिकार होगा, और अगर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ पर इसकी सुनवाई का अधिकार है तो निश्चित रूप से जो इसकी अपील का अधिकार है वो इसकी प्रथम अपील का अधिकार सेशन न्यायालय जो उस जिले की सेशन न्यायालय है सेक्शन 29 में उसके यहाँ पर अपील योजित की जा सकेगी। लेकिन इस बीच में बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि जो अपील है वो किन दस्तावेजों पर दाखिल की जाएगी। इस एक्ट के अंदर ही इस चीज़ का स्पष्ट प्रावधान है कि जो भी पक्षकार हैं उनको घरेलू हिंसा अधिनियम के जो अंतिम आदेश होगा उस आदेश की एक निःशुल्क प्रतिलिपि दी जाएगी, और जो भी आगे कार्यवाहियां की जाएंगी उस निःशुल्क प्रतिलिपि के आधार पर ही अग्रिम न्यायालयों में योजित की जाएंगी। अब बात आती है कि अगर हम अलग अलग अब बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं आवास की, जो रेजिडेंशियल रिलीफ है। रेजिडेंशियल रिलीफ में याचिकाकर्ता के पास ये अधिकार है कि जिस घर के अंदर वो शादी होने के पश्चात गई है या प्रथम बार जिस घर में उसने प्रवेश किया है वो उस घर के अंदर रहने के लिए अपना अधिकार कर सकती है, और न्यायालय को भी उस समय विचारण के दौरान ये देखना होगा। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड अपने अदर फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए ये शो करने का प्रयास करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं पूरे परिवार से अलग रह रहा हूं। यहां पर न्यायालय को बड़े सतर्कता से साथ बड़ी बारीकी के साथ इस तथ्य का विश्लेषण करना होता है कि क्या हस्बैंड वास्तव में पूरे परिवार से अलग रह रहा है या केवल उस स्तर पर न्यायालय को गुमराह करने के लिए और पीड़ित महिला को न्याय ना मिले इस उद्देश्य के लिए केवल अपना एक अलग पता दर्शित किया जा रहा है। इस चीज की बड़ी सतर्कता के साथ और बड़ी बारीकी के साथ न्यायालय को विवेचना करनी होती है, और ये सब कुछ विवेचना जो होगी वो दोनों पक्षकारों के साक्ष्यों के ऊपर या इस संबंध में अगर कोई दस्तावेज हैं तो उसके ऊपर होगी। इसके अलावा इस संबंध में कोई भी विवेचना या कोई भी साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जा सकता। दूसरा, अब हम बात करते हैं मोनेटरी रिलीफ, आर्थिक अनुतोष। आर्थिक अनुतोष जो है इस सेक्शन घरेलू हिंसा अधिनियम में, इसमें जो पीड़ित महिला है वो क्लेम कर सकती है अपने पति से या पति के अलावा जो अन्य पक्षकार हैं वो सास हो या और परिवार के सदस्य हो उनके प्रति। लेकिन प्राय ये न्यायालय ने ये देखा गया है कि न्यायालय अधिकतर मतों में, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय हो या माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय हो, अधिकतर निर्णयों में यही देखा गया है कि न्यायालय भरण पोषण की जो राशि है मॉनिटरिंग रिलीफ वो केवल पति के विरुद्ध ही दी जाती है। अब मॉनिटरिंग रिलीफ किस आधार पर हो, कई बार ऐसा होता है प्रकरण में कि पति के द्वारा अपनी आय के संबंध में जो साक्ष्य हैं या जो स्रोत हैं वो दर्शित नहीं किए जाते, और ये प्रयास किया जाता है बताने का कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बिल्कुल स्पष्ट मत किया गया है, मत अपना व्यक्त किया गया है कि यदि पति फिजिकली फिट है, शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम है, तो वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होने के साथ साथ दायित्वाधीन है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। केवल इस आधार पर कि वो कुछ भी नहीं करता, बेरोजगार है, वो पत्नी के भरण पोषण से मना नहीं कर सकता। इसलिए मॉनिटरिंग रिलीफ का जो अधिकतर मामलों में देखा गया है वो हस्बैंड के खिलाफ ही दिए जाते हैं। इसमें और सतर्कता की क्या आवश्यकता है लड़की के लिए, जो पीड़ित महिला है उसको निश्चित रूप से इस तथ्य को साबित करना होगा कि जो पति है वो आज इस याचिका को योजित करते समय या याचिका के पूर्व, विवाह से पूर्व, एक किस स्तर का जीवन व्यतीत कर रहा था, वह वर्तमान में वो किस स्तर का जीवन व्यतीत करते हुए भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं हैं। अधिकतर मामलों में ये देखा गया है कि पत्नी को या पीड़ित महिला को भरण पोषण ना दिया जाए, इसलिए अधिकतर जो हस्बैंड होते हैं वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो विवाह से पहले या याचिका के योजित करने से पहले कार्य करते थे, किंतु याचिका योजित या इन मुकदमेबाजी की वजह से उनका सब रोजगार बंद हो गया।
तो वहां पर हमें यह देखना होगा कि इस संबंध में अगर कोई साक्ष्य हैं तो वो निश्चित रूप से जो पीड़ित महिला है, जो कंप्लेनेंट है, उसको न्यायालय के सामने साबित करने होंगे कि उसके द्वारा अगर कोई इस तरह का प्रयास किया जा रहा है तो वो केवल न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो कि वास्तविक तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। इस तरीके से इस पूरी प्रोसीडिंग्स को कोर्ट देखती है और प्रोसीडिंग्स को देखने के पश्चात अंतिम रूप से अपना निर्णय देती है। Don't forget to like and subscribe Adhyatmik Life TV on YouTube.